ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, आज थर्ड पार्ट है वीडियो का और लास्ट। रिवॉल्ट, रिवॉल्ट यानी विद्रोह, 1857। देन देयर वॉज, देन उसके बाद देयर वॉज, वहाँ पर था ए वायोलेंट आउटब्रेक। क्या हुआ था? वायोलेंट आउटब्रेक, वायोलेंट यानी हिंसक, हिंसा। तो हिंसक जो आउटब्रेक हुई थी, आउटब्रेक यानी फैलना, एट मेरठ। तो मेरठ पे क्या हुआ, हिंसा फैल गई थी बहुत ज़्यादा। द सिपॉयज यानी सिपाहियाँ, द सिपॉयज मार्च्ड टू दिल्ली। उन्होंने वो कहाँ गए थे, दिल्ली मार्च करके गए थे। मार्च यानी जो सिपाहियाँ एकत्रित होकर अग्रसर होते हैं, इसको मार्च करना कहते हैं, मार्च्ड। तो सिपाहीज जो थे, सिपाहियाँ, वो दिल्ली वो मार्च करते हुए गए। और वो क्या कह रहे हैं, लॉन्ग लीव आवर एम्पीरर, लॉन्ग लीव आवर एम्पीरर बहादुर शाह। हमारे एम्पीरर सम्राट बहादुर शाह जुग जुग जिए, लॉन्ग लीव। द रेवेलियन स्प्रेड वाइडर, जो रेवेलियन थे विद्रोही, वो स्प्रेड फैल गए, वाइडर मतलब और विस्तीर्ण रूप से वो फैल गए, बहुत ज़्यादा फैल गए। वाइड यानी चौड़ा होता है, या वाइडर यानी उससे भी ज़्यादा चौड़ा, यानी उससे भी ज़्यादा विस्तीर्ण रूप से फैल गए। मैनी लैंडलॉर्ड्स, और बहुत सारे ज़मींदार, मैनी लैंडलॉर्ड्स यानी बहुत सारे ज़मींदार, हैड लॉस्ट, उन्होंने खो दी थी देयर उनकी लैंड्स यानी ज़मीनें, बिकॉज क्योंकि ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी, ब्रिटिश के जो नियम थे उसके अंतर्गत उन्होंने ज़मीन खो दी थी। एंड दे वेयर सोर, और वो कैसे, क्या हो गए थे, नाराज़ हो गए थे। सोर यानी नाराज़, तो वो नाराज़ थे। दे वेयर, वो थे सोर, नाराज़। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, जो वाइट मैन है, अंग्रेज़ है, उनकी रूल जो शासन है मस्ट एंड, उसे ख़त्म होनी ही चाहिए। तब ज़मींदार भी कहते हैं, यस वी विल हेल्प यू, यस हम आपकी मदद करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम, आज़ादी की लड़ाई, द फाइट, लड़ाई फॉर फ्रीडम यानी आज़ादी की, आज़ादी के लिए, जो आज़ादी के लिए लड़ाई, 1857। यानी फॉर्मर रूलर लाइक बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ वेयर बिटर, और बहुत सारे फॉर्मर रूलर जिनमें से बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ, लखनऊ की बेगम हज़रत महल, वो क्या थे, बिटर, उनमें कड़वाहट थी, मतलब पीड़ा में थे। बिटर यानी पीड़ा, पीड़ादायक, पीड़ित, पीड़ा में थे या कड़वाहट थी। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, ये अंग्रेज़ मेरे राज्य को उन्होंने ले लिया, टेकन अवे, हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरिनर, तो उन्होंने हिस्सा लिया था, द अपसोर्ज, अपसोर्ज यानी यहाँ पर अभ्युत्थान या तरक्की, मतलब अगेंस्ट द फॉरिनर, फॉरिनर के विरुद्ध जो अभ्युत्थान हो रही थी विद्रोह का, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। दे पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, पॉपुलर लीडर्स आने माने नेताएँ हैं, लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, वो लोगों से क्या कहते हैं, राइज ब्रदर्स, राइज, जागो भाइयों, जागो, द अंग्रेज़ इज़ रूइंग आवर लैंड्स, जो अंग्रेज़ हैं वो हमारी ज़मीन को बर्बाद कर रहे हैं। अज़ीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपी, अज़ीमुल्ला खान तात्या टोपी को कहते हैं, उन्होंने कहा था, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी शुड हैव, हमें मान लेना चाहिए, हमें मानना चाहिए पेशवा नाना साहेब को एज आवर लीडर, हमारे नेता के रूप में, इन दिस वॉर, इस युद्ध के, ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब ये जो आज़ादी की युद्ध है, वो दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी ये आज़ादी की जो युद्ध है, इसमें हमें लीडर मानना चाहिए पेशवा नाना साहेब को। 80-year-old कंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, अब 80 साल के जो ओल्ड बुजुर्ग कंवर सिंह ऑफ बिहार, बिहार के रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया, उनको लगा अ बुलेट यानी एक गोली, इन हिज रिस्ट, उनके कलाई पे। अब वो क्या कहते हैं, मदर गंगा, माँ गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग, माँ गंगा ये मेरी अंतिम ऑफरिंग, ऑफरिंग यानी यहाँ पर बलिदान, यानी प्रस्ताव भी होता है लेकिन यहाँ पर बलिदान होगा, ऑफरिंग टू यू, तो माँ गंगा ये मेरी अंतिम बलिदान है तुम्हारे लिए। द पेट्रियोट्स पाउंस्ड अपन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया,
तो पूरे उत्तर भारत में क्या हुआ, द पेट्रियोट्स जो आज़ादी के देशभक्त हैं, पाउंस्ड, वो झपट पड़े थे अपन द ब्रिटिश, ब्रिटिश के ऊपर, एंड फॉट और लड़े थे पिच्ड बैटल, घनघोर युद्ध या बहुत खतरनाक युद्ध लड़े थे वो, घमासान युद्ध ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, बैटल्स यानी बहुत सारे युद्ध, मतलब पूरे इंडिया, उत्तर भारत में लड़ाई हो रही है, बैटल्स ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया, तो ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया में वो घनघोर युद्ध वो लड़े थे।